बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम का शीर्षक है साक्षर क्यों। ये एक प्रश्न है जो हम आपसे पूछते हैं, उन लाखों करोड़ों लोगों से पूछते हैं जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उन सभी से पूछते हैं जो कि साक्षर हैं या फिर वो लोग जो कि निराक्षर हैं। सबसे यही पूछते हैं कि पढ़ाई लिखाई का महत्व क्या है, साक्षरता का हमारे जीवन में महत्व क्या है। मिसाल के तौर पर अगर आप इस प्रश्न का जवाब चाहते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास कार्यक्रम ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है हर साल वो छापेंगे एक सूची उन देशों की जहां पर जीवन का स्तर बहुत ऊंचा है। हर साल वो ये सूची छापते हैं। भारत की पोजीशन 2001 की जो सूची है उसमें 115 पर है, लेकिन इस सूची का संबंध केवल एक देश के पैसे से, उसकी दौलत से या फिर प्रति व्यक्ति की आय से केवल नहीं है। मिसाल के तौर पर एक देश है अफ्रीका में, उसका नाम है अंगोला। वहां की जो प्रति व्यक्ति आय है वो लगभग 3,200 अमरीकी डॉलर प्रति साल की है, लेकिन उसका स्थान जो है इस सूची में वो 142 है, जबकि भारत का 115 है और भारत की प्रति व्यक्ति आय कहीं कम है। कारण इसका यही है कि भारत में इस समय साक्षरता कुछ अनुमान जो लगाए गए हैं हाल ही में 65% तक साक्षरता पहुंच चुकी है, जबकि अंगोला की इससे बहुत कम है। तो आप खुद ही अनुमान लगा लीजिएगा कि पढ़ाई एक देश का जीवन संवारने के लिए कितनी आवश्यक है। इसीलिए हम ये कार्यक्रम पेश कर रहे हैं साक्षर क्यों। आज आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से करवाएंगे जो हमारी दोनों टीमों में भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता नहीं है, एक मुलाकात है, एक खेल है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी परिस्थितियों के कारण शायद स्कूल या कॉलेज में जाना संभव नहीं समझा या इनके लिए संभव नहीं था, लेकिन इसके बावजूद अपनी परिस्थितियों को पराजित कर आज यही लोग जानकारी के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे एक विशेष मेहमान भी हैं डॉक्टर आर एस त्यागी, जो देश की राजधानी में स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कंप्यूटर डिपार्टमेंट के हेड हैं, और हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि इनकी राय में साक्षरता का क्या महत्व है। फिर हमारे साथ स्टूडियो में ढेर सारे विशेष मेहमान हैं जिनके लिए ये कार्यक्रम पेश किया जा रहा है। भारत के हर कोने से आए हैं और आप खुद देखिए किस तरह से ताली बजा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अगर आप लोग तैयार हैं तो शुरुआत करते हैं आज के इस खेल की, आज के इस प्रतियोगिता की, आज की इस मुलाकात की, और शुरुआत करते हैं हमारी पहली टीम गंगा से। गंगा, इससे पहले कि मैं पहला प्रश्न आपसे पूछूं, आपको इतना बता देते हैं कि प्रश्नों के सही जवाब क्या हैं ये मुझे भी नहीं मालूम है, ये हमारे विशेषज्ञों को मालूम है। अगर आपका उत्तर सही है तो आप ये धुन सुनेंगे, और अगर आपका जवाब गलत है तो आप सुनेंगे, और इस सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 10 अंक, हर गलत जवाब के लिए आपको मिलेंगे 0 अंक। और अगर आप लोग तैयार हैं, इतना फिर आपको बता दें कि आपका स्कोर अगर कुछ कम है निराश मत होइएगा, क्योंकि कार्यक्रम के आखिर में मेरे सामने एक जैकपॉट पड़ा है जिसे हम खोलेंगे। इस जैकपॉट के अंदर भी काफी सारे प्रश्न हैं, और अगर आपने एक प्रश्न का सही जवाब दिया तो आपका स्कोर दुगना हो जाएगा, यानी ये डबल जैकपॉट दुगना जैकपॉट है। तैयार हैं आप लोग? तो आप फिर मुस्कुरा क्यों नहीं रहे, जरा मुस्कुरा के हमें बताइएगा और अपना परिचय दीजिएगा। आपका नाम? मेरा नाम श्री भगवान राठी है, मैं सोनीपत हरियाणा से आया हूं और अपने पिताजी के साथ खेती का काम करता हूं। और आपके साथ कौन है? मैं राम प्रसाद हूं सर, मैं राजस्थान से आया हूं और मैं स्कूटर का मिस्त्री हूं। स्कूटर के मिस्त्री हैं? कितने पढ़े लिखे हैं आप? सर अनपढ़ हूं सर। लेकिन आपको कभी कभी ऐसा जरूर लगता होगा कि शायद अगर आप पढ़े लिखे होते कुछ और काम कर पाते। जी सर जी। आपकी शादी हो चुकी है? जी सर। बच्चे हैं आपके? जी सर। वो पढ़ रहे हैं? जी सर। आप क्यों पढ़ा रहे हैं उन्हें? सर पढ़ा लिखा कर उनको कुछ बनाना है सर। बहुत खूब दोस्त, बहुत खुशी हुई आप जैसे लोगों को मिलकर, आप जैसे सुपुत्रों पर इस देश को गौरव है। हमारी दूसरी टीम है यमुना, और आप लोग अपना परिचय खुद दीजिएगा। मेरा नाम कमला है, मैं देवरिया यूपी से आई हूँ, मैं घरेलू स्त्री हूँ। आप पढ़ी लिखी हैं बहन? जी हाँ, आठवीं। आठवीं तक पढ़ी, उसके बाद छोड़ क्यों दिया आपने? बस माँ बाप ने शादी कर दी और कुछ पिताजी बीमार थे, इस वजह से शादी कर। आपकी संतान है? हाँ जी। उनको भी आठवीं में आप पढ़ाई छोड़वा देंगी? उन्हें तो बस जहाँ तक वो पढ़ेंगे उतना ही पढ़ाएंगे। बहुत खूब, बहुत खुशी हुई आपका जवाब सुनकर। आपके साथ कौन है आपकी टीम में? मेरा नाम वासुदेव है जी, मैं बिहार से आया हूँ, मैं रिक्शा चलाता हूँ। आप पढ़े लिखे हैं? हाँ जी, पांचवी पास। पांचवी में फिर छोड़ क्यों दी पढ़ाई? घर की स्थिति खराब थी सर।
आपका विवाह हो चुका है, संतान है, पढ़ रहे हैं, आपके लिए पढ़ाई के क्या महत्व है? सर हमारे तो कुछ पढ़े नहीं, तो हमारे बच्चे हम पढ़े कुछ आगे कुछ बनने के। आपका विश्वास ये है कि पढ़ाई के जरिए वो आगे बढ़ सकते हैं? सर बहुत खूब, बहुत खुशी हुई आपका ये जवाब सुनकर। आप लोग सब बड़े ध्यान से सुनिएगा कि इन लोगों का जो भले ही खुद फॉर्मल तरीके में अनपढ़ हो, वो कह रहे हैं कि पढ़ाई उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, इस देश के भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। पहला प्रश्न गंगा, आप लोग तैयार हैं? उस पेड़ का नाम बताइए जिसे आयुर्वेद ने सबसे ज्यादा उपयोगी माना है। नीम, अमरूद, चंदन या फिर आम? नीम है सर, नीम। आपने तो कहा कि नीम है और वो बोले इन्होंने सही कहा कि नीम का पेड़ है। 10 अंक आपके हैं गंगा। जमुना आपकी बारी। आप गुजराती भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में या फिर गुजरात में? गुजरात में। अब सोच लीजिएगा, मेरा जो विचार है वो तो केरल में बोली जाती है। गुजरात में बोली जाती है। बहन आप क्या कहती हैं? अब देखिए ये दोनों कह रहे हैं गुजरात में और वो बोले दोनों टीमों के 10-10 अंक है। और अब हमारा अगला प्रश्न ये है गंगा के लिए, हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है? वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जन गण मन या ए मेरे वतन के लोगों? जन गण मन। अब आप लोग जो यहां मौजूद हैं आप क्या सोचते हैं, सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? सही है, आप सबने कहा। और आप क्या कहते हैं? आपके अंक बढ़ के इस समय हो चुके हैं 20। और अब बारी है यमुना की। यमुना ये रहा आपका प्रश्न, चुनाव में कभी कभी वोट डाला है आपने? बहुत अच्छी चीज करते हैं, ये आपका उत्तरदायित्व है और आपको निभाना चाहिए। चुनाव में वोट डालने की उम्र क्या निर्धारित की गई है? 16 साल, 18 साल, 21 साल, 24 साल? 18 साल। यकीन है? मेरी बात मानिए, डॉक्टर साहब की बात मानिए तो 21 साल कह दीजिए। डॉक्टर साहब की बात नहीं सुनते, डॉक्टर साहब किसी की नहीं सुन रही है, ये किसी की बात नहीं सुनते, अपनी मनमानी करते हैं। इन्होंने कहा 18 साल और आप बोले, जरा ताली बजाइए ना जोर से आप लोग इनके लिए। दीपक जी, इधर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। जरूर कहिए। शुरू हुआ है जी, ये साक्षर नहीं है, कुछ पढ़ाई लिखाई की है, सब लोग साक्षर नहीं है, लेकिन फिर भी ये सोच समझ कर और जवाब दे रहे हैं। बहुत, इसका यही मतलब है इनके पास अपना एक्सपीरियंस है। डॉक्टर साहब, यही एक प्रश्न मैं आपसे भी पूछना चाहता था, क्योंकि आपने इस बात की शुरुआत की है। आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हैं, जो इस देश की सर्वश्रेष्ठ मेडिकल संस्था है। आपके पास जो बीमार लोग आते हैं आप उनसे डील करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, कुछ जो हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन दोनों में आपको क्या अंतर नजर आता है? साक्षर जो है वो अपने आप की प्रॉब्लम बता सकता है ठीक से, वो अपने आप को डिस्क्राइब कर सकता है कि उसको क्या फीलिंग है। जो साक्षर नहीं है उसको हम ये समझने में काफ़ी टाइम लगाते हैं कि उसको प्रॉब्लम ही क्या है। दूसरा, जो साक्षर है उसको हम कुछ पढ़ने के लिए दे सकते हैं, उसे कुछ समझा सकते हैं, उससे जल्दी समझता है। जो साक्षर नहीं है उसको पढ़ने के लिए नहीं, उसको सिर्फ समझाना होता है। आपका जो विभाग है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, आप देश के विभिन्न कोनों में जाते हैं, वहाँ पर आप आउटरीच प्रोग्राम करते हैं, लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं, कंप्यूटर की एजुकेशन देना चाहते हैं, उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? कंप्यूटर के लिए सबसे पहले तो हमारा प्रोग्राम हर एक राज्य के लिए उसकी जो बोली है उसके ऊपर डिपेंड करना कि उस तरह की कौन सी बोलचाल बोली। जैसे आपने पूछा गुजरात में गुजराती बोली जाती है, तो वहाँ के लोगों को हमें गुजराती में ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। हमें अपने प्रोग्राम में वहाँ के लोगों को इन्वॉल्व करना होता है, क्योंकि उधर जो साक्षर नहीं है वो हमारे को पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। तो हमारे हर एक प्रोग्राम के अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि वहाँ की भाषा बोलने वाले को इन्वॉल्व करें। कंप्यूटर के माध्यम से हम उनको स्वस्थ रहने के अलग अलग तरीके, खाने पाने पीने के तरीके, इस तरह रहन सहन वो बता सकते हैं, ताकि उनको बीमारियां कम रहें या बीमारियां दूर रहें। और जब आप इन दूर दराज इलाकों में जाते हैं, छोटे छोटे कस्बों में जाते हैं, गांव में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो आपको किस प्रकार का रिस्पॉन्स उनसे मिलता है? रिस्पॉन्स तो उनको बहुत अच्छा मिलता है। हर कोई चाहता है कि स्वास्थ्य सेवाएं उनके दरवाजे के नज़दीक हों, लेकिन हम असमर्थ हैं हर एक के पास पहुंचाने के लिए। कंप्यूटर के माध्यम से, कम्युनिकेशन के द्वारा, संचार माध्यम से
अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक डॉक्टर वहाँ से हमसे सलाह ले सके और वहाँ की जो पेशेंट की जो मरीज की कंडीशन है उसको बताकर हमसे पूछे कि उसको आगे क्या करना है। बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आप विराजमान रहे यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास अभी मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आपके लिए भी प्रश्न है। डॉक्टर साहब को जाने नहीं देंगे, अभी कंसल्टेशन करना है इनके साथ हमें। ये अब बारी है आपकी गंगा, और अगर आप लोग तैयार हैं तो हमारा प्रश्न अगला आपके लिए। दोनों टीमों का स्कोर इस समय 20 और 20 अंक है। गंगा, संसार में सबसे ऊंचे पहाड़ का नाम बताइए। कंचनजुंगा, माउंट एवरेस्ट, नंगा पर्वत या फिर अन्नपूर्णा। अब मेरी राय मानिए तो अन्नपूर्णा कह दीजिए। माउंट एवरेस्ट। देखिए, मेरी राय कभी नहीं मानते हैं, यह हमेशा अपनी मनमानी करते हैं और फिर कहते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं है। माउंट एवरेस्ट। और आप क्या बोले? यमुना, बारी आपकी है, आप लोग तैयार हो जाइए। आपका अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम बताइए। सूरजमुखी, गेंदा, गुलाब या फिर कमल। गुलाब। अब आपको भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम बताना है, मेरी बात मानिए तो कमल कह दीजिएगा। गुलाब। गुलाब। अब देखिए डॉक्टर साहब, ये मेरी बात नहीं मान रहे हैं, लोग कह रहे हैं गुलाब है और आप बोले। देखिए, आपने हमारी बात नहीं सुनी। अब ये मौका हम देते हैं हमारी ऑडियंस में, हमारे विशेष मेहमान जो यहाँ पर मौजूद हैं, इन सब से पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम ईश्वर है। ईश्वर जी, आप क्या करते हैं? मैं हरियाणा से आया हूँ। हरियाणा से आए? डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से आया हूँ। क्या करते हैं आप? जी, मैंने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद में एक छोटा स्कूल खोल रखा है गांव में, छोटे बच्चों को शिक्षा देता हूं मैं। तो आप अध्यापक हैं स्कूल में? जी हाँ। और आपने बताया कि फूल का नाम क्या है? कमल। आपने कहा कमल और वो बोले। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के लिए जिन्होंने खुद मैट्रिक तक शिक्षा हासिल की हो, नौकरी नहीं की, अपने गांव में वापस लौटे, एक स्कूल खोला और वहां बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, ये हैं भारत के असली सपूत। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न, और इस समय स्कोर जो है यमुना के केवल 20 हैं, गंगा के हैं 30। और अब हमारा प्रश्न टीम गंगा के लिए। गंगा, कभी कभी आप फिल्में देखते हैं? जी सर। सारा भक्ति देखते हैं या कभी कभी देखते हैं? कभी कभी देखते हैं। कभी कभी देखते हैं। एक धुन हम आपको सुना रहे हैं, आपको इस धुन को पहचानना है और इसके बोल हमें बताने हैं। अगर आप लोग तैयार हैं तो हम पेश कर रहे हैं ये धुन। बताइए। जीना यहाँ, मरना है यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। गाना चाहते हैं तो हम फिर से संगीत बजा गा के सुनाइए हमें। आप लोग बजाइए संगीत। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके जाना। बहुत खूब, आपने सही पहचाना है या नहीं ये हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। अब बारी है टीम यमुना की, और अगर आप लोग तैयार हैं तो आपको भी एक धुन सुना दें। सुनेंगे आप? अच्छी बात है, और आप पहचानने की कोशिश करिएगा। मैं ऐसा करता हूं, थोड़ा सा आपके पीछे आके खड़ा होता हूं ताकि मैं भी आपकी मदद कर सकूं, आपको गुमराह कर सकूं, वो हमारा काम होता है ना। तो जरा सुनिएगा इस धुन को, सुनाइए। जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। जरा आप लोग संगीत के साथ देखते हैं कैसा गाएंगे ये लोग। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके, ये गुलसिता हमारा। बहुत खूब, अब हमने अपने विशेषज्ञों से पूछना है कि ये जवाब इनका सही है या नहीं। तो बताइए आप लोग, क्या ये जवाब सही है? आपके अंक अब बढ़ के हो गए हैं 30, जबकि गंगा के हैं 40।
और अगर अगले प्रश्न का जवाब सही नहीं दिया गंगा ने तो उनके रहेंगे 40 और जमुना ने दे दिया तो वो भी पहुंच जाएंगे 40 तक। गंगा, ये आपका प्रश्न। भारत में सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहां है? सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहां पर है? लेह, जो कि लद्दाख में है, लखनऊ, श्रीनगर या फिर मेघालय? ले, मुझे नहीं लगता कि यह सही है। अब आपको एक मौका फिर दे रहे हैं अपनी राय बदलने का, बताइए। नहीं बदलेंगे? ले सर। ले, ये तो पूरी तरह से अटल है उस पे। और क्या यह सही है? बिल्कुल सही फरमाया आपने और आपके अंक अब बढ़ के गंगा 50 तक पहुंच गए हैं। अब जमुना, आपको जोर लगाना पड़ेगा। तैयार हैं आप लोग? बड़े ध्यान से सुनिएगा हमारे इस प्रश्न को। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। कबूतर या फिर कोयल, मोर या फिर तोता? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। मोर, अब मेरी बात मानी तो तोता कह दीजिए, वो तो मेरी तरह बोलता बहुत है। मोर, चलिए, अगर आपने कहा मोर और आप बोले डॉक्टर साहब, गेम शो में कई बार ये करना पड़ता है इन लोगों को थोड़ा सा गुमराह करने के लिए और ये साबित करने के लिए कि इनको अपने ऊपर अटल विश्वास है। ये जानकर बहुत खुशी हुई। ये रहा आपका अगला प्रश्न। एक टीम है हमारी गंगा, दूसरी टीम है हमारी यमुना। अब इन दोनों टीमों का संगम कहां पर होता है, यानी गंगा और यमुना का संगम किस शहर में होता है? आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद या फिर हरिद्वार? अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसे सोचिएगा, सलाह मशवरा करिएगा और हमें जवाब दीजिए। जी, इलाहाबाद। इलाहाबाद में संगम होता है और आप बोले। अब बारी है टीम यमुना की। टीम यमुना, जरा हमें यह बताइए कि पश्चिमी बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती, बंगाली, उड़िया या फिर तेलुगु? बंगाली। देखिए, पूछे बिना ही आपने, मेरी सलाह लिए बिना, डॉक्टर साहब से पूछे बिना, यहाँ जो इतने सारे दोस्त मौजूद हैं उनसे पूछे बिना आपने कह दिया बंगाली। आप बहन से तो पूछ लीजिए, बंगाली। आप भी बंगाली, अटल विश्वास है। अगर आपका विश्वास अटल है तो उनका विश्वास जो है साक्षरता या निरक्षरता के ऊपर नहीं, इसका मतलब डिपेंड करता है। इनका मतलब यही है कि इन्होंने अपनी परिस्थितियों से बाहर निकल कर वहां तक पहुंचे हैं जहां पर इनकी जानकारी काफी ऊंची है। अगला प्रश्न आपके लिए और हमारी टीम है इस समय टीम गंगा। बौद्ध धर्म में किस पेड़ को पवित्र माना गया है? बरगद, नीम, पीपल या फिर अशोक? पीपल। पीपल सर। आपने कहा पीपल और आप लोग क्या बोले हमारे विशेषज्ञ? इसका मतलब क्या हुआ? गलत जवाब है आपका। देखिए, अब आप लोग उदास हो गए। खैर, कोई बात नहीं, अब हम ये मौका देते हैं ऑडियंस में जो भी हमारे दोस्त यहां मौजूद हैं, अब हमें ये बताइए कि तीन बचे हैं, बरगद, नीम और अशोक, आप क्या सोचती हैं कौन सा पेड़ है? बरगद। ये भी गलत, ये भी गलत है। अब बारी है किसी और एक दोस्त की, उनसे पूछना है कि अभी दो आपके पास बचे हैं, आपके पास बचा है नीम और अशोक। अब आपकी मर्जी है जो आप कहना चाहें। नीम। आपने फरमाया नीम और हमारे विशेषज्ञ क्या बोले? अब इसका मतलब है कि हम लोग सब जानते हैं कि कौन सा वो पेड़ है जिसे खास स्थान दिया गया। अगला हमारा सवाल है हमारी टीम जमुना के लिए। जमुना, ताजमहल किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? मैं आपको चार नाम दे रहा हूं, अल्तमश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर या फिर शाहजहां? शाहजहां। तो आपने कहा शाहजहां और वो बोले
आपको, आप जरा स्कोर पे एक नजर डाल लेते हैं। 60 हैं गंगा के और 60 हैं यमुना के। हमारे पास अभी कुछ समय बाकी है, इसीलिए मैं आपसे 2-3 प्रश्न और पूछता हूं, उसके बाद फिर हम खोलेंगे हमारे इस मटके को, हमारे डबल जैकपॉट को। आपका प्रश्न, टीम गंगा, खरीफ की फसल किस मौसम में बोई जाती है? जवाब है बरसात, सर्दी, गर्मी या फिर बसंत। बरसात। ये तो आप खेती बाड़ी करते हैं और आपने तुरंत बरसात कह दिया और आप बोले। अगला प्रश्न हमारी टीम यमुना के लिए, 14 नवंबर को किस नेता का जन्म हुआ था? भारत के एक महान सुपुत्र, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहन से मशवरा कर लीजिएगा, वो कह रही हैं इंदिरा गांधी जी। आप भी कह रही हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और आप क्या बोले? स्कोर इस समय दोनों टीमों का है 70-70। विश्व में वो कौन सी बीमारी है जो प्लेग की तरह खाए जा रही है? एड्स, मलेरिया, कैंसर या फिर चेचक? यह आपको हमें बताना है, एड्स, मलेरिया, कैंसर या फिर चेचक? एड्स। एड्स। इन लोगों ने हमसे कहा एड्स और आप लोग बोले। आखिरी प्रश्न मेरे पास है जो टीम यमुना के लिए, अब यह देखना है कि टीम यमुना इसका सही जवाब दे पाती है या नहीं। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप उसे ध्यान से देखिएगा इस तस्वीर को, और ये बताइए ये तस्वीर किनकी है? स्वामी विवेकानंद। इन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद और आप लोग क्या बोले? दोनों टीमों का स्कोर 80-80 है। अब इसी का एक ही तरह फैसला हो सकता है कि मैं डबल जैकपॉट जाकर खोलता हूं और देखता हूं कि इनके पास कौन कौन से प्रश्न हैं हमारे डबल जैकपॉट में, और ये भी फिर देखते हैं कि कौन अपना स्कोर दुगना कर पाएगा। आप लोग तैयार हैं गंगा? शुरुआत आप ही से करते हैं, लेकिन ये हमारी छोटी सी एक बच्ची यहां बैठी है, इनसे अनुरोध करूंगा कि आकर इस मटके में से एक प्रश्न निकाल कर मुझे दे दें। बहुत खूब बेटे, आओ। बहुत खूब। अब ये प्रश्न है, अब बताइए हमारे देश भारत में एक ऐसा शहर है जो कि दो राज्यों की राजधानी है, एक राज्य की नहीं है बल्कि दो राज्यों की राजधानी है, और इस शहर का नाम है नागपुर, चंडीगढ़, चेन्नई या फिर मुंबई? और ये जवाब आपने देना है चंडीगढ़। ये दोनों ने मिलके एकदम से कहा चंडीगढ़, और इतनी जल्दी जवाब देने में कई बार गलती हो जाती है। आप क्या बोले? बहुत खूब। और अब इनका स्कोर तो दुगना हो चुका है, और अब बारी है टीम यमुना की। अब की मैं अनुरोध करूंगा हमारी जो बहन यहां बैठी है, बहन आप भी इसमें से अगर एक प्रश्न निकालकर मुझे दे दें तो मैं आपका आभारी रहूंगा। आइए, बहुत खूब बहन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये प्रश्न, यमुना ये जो प्रश्न आपके लिए है, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप ये तो जानते हैं कि हमारे देश भारत में इस समय 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ये तो आप जानते हैं। लेकिन इससे पहले मेट्रिक सिस्टम जो हम कहते हैं 10, 20, 30 का, उससे पहले 1 रुपए में कितने पैसे होते थे? 30, 50, 64 या 100? बड़े ध्यान से सुनिएगा, पुराने वक्तों की बात है, 30 पैसे होते थे, 50 पैसे होते थे, 64 पैसे होते थे या 100 पैसे होते थे, मेट्रिक सिस्टम आने से पहले, जिन्हें हम पुराने पैसे कहते थे। मेरी बात मानिए तो 64 कह दीजिएगा। ये उस समय की बात है जब रुपए के 16 आने होते थे, आने में कुछ पैसे होते थे। अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं? 100 तो अभी है। अब आप
मेरी बात मान ली आपने? 64 इन्होंने कहा 64 और आप लोग बोले। दोनों टीमों का स्कोर बिल्कुल बराबर है। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि दोनों ही टीमें इस प्रतियोगिता को, इस मुलाकात को, इस खेल को जीती हैं। मेहमान जो हैं, जिन्होंने पुरस्कार जीते हैं, आप सबको बता दें इन पुरस्कारों के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो साक्षरता बढ़ाने में, आपको पढ़ाई लिखाई करने में आपकी मदद करेंगी। उम्मीद करते हैं कि ये उसी चीज के लिए, उसी काम के लिए आप इनका प्रयोग करेंगी जिस लिहाज से, जिस इंटेंशन से, जिस डिजायर से हमने आपको ये दिए हैं। स्वीकार करिएगा। बहुत बहुत मुबारक हो दोनों टीमों को।